मोहम्मद रहीम, पडियार शेर खान इब्ने गुलाम, पडियार बिलाल इब्ने मोहम्मद हनीफ, पडियार नोडे अकबर इब्ने सिद्दीक, नोडे आरब इब्ने सिद्दीक, नोडे मुहिर इब्ने कासम, नोडे माहिर इब्ने मुश्ताक आकर के अपना प्रोग्राम पेश करें। Okay.
इस नज़म के बाद उससे पहले हमारे जो उलमाए किराम जो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं मौली मुशाहिद साहब को मैं दावत दूंगा कि आए और हमारे मजमे को कुछ नसीहत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही लजीना इस्तफा। माशाल्लाह सबसे पहले पता चलता है कि मैं आप लोगों को बदा की दुआ देता हूँ और दुआ ये भी करता हूँ कि अल्लाह पाक बदा चलता है कि इस गांव को बदरीनस से हिफाज फरमाए। मजीदी कारण यह हुआ कि माशाल्लाह आप लोगों के ताउन से आप लोगों की फिक्रों से 15-16-17 साल से बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह जलसा चल रहा है और मेरा आना बता जाता है कि इस साल में पहली मर्तबा है। सारे बच्चों का प्रोग्राम देखकर ये महसूस हो रहा है कि ताली जो बोल रहे हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना को जो है इतना हिम्मत हो रही है और एक अकेला मौलाना बता जाता है कि पूरा इस तरह से बताया कि प्रोग्राम स्टार्ट करना शुरू करवाना। आपने देखा होगा स्कूल के अंदर कि मोपी बोलने वाले बच्चे बहुत कम होंगे, सिर्फ पता चलता है कि वो गीत बजता होगा और कैसेट बजती होगी, इसी कैसेटों से बच्चे इशारे करते होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से लेकर बताया कि आखिर तक बताया कि हर बच्चा अपनी जबान से बताया कि हर एक को बताया कि मजमा को बताया कि मुसय्यिन कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना की मेहनत को अल्लाह कबूल फरमावे और आप लोगों की बता चलता है कि कुर्बानियों को अल्लाह कबूल फरमावे और दुनिया आखिरत की बेहतरीन बता के अल्लाह बदला नसीब फरमावे। माशाल्लाह मेरे को बता के मौलाना ने बता के बोलने का मौका दिया था, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, वक्त तो बहुत हो गया है, आगे बच्चों का प्रोग्राम है, अल्लाह कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा। इस नातिया जो नज़म हुई उसके बाद आज हम सबको एक दूसरे से शिकायत है, माँ बाप को औलाद से, औलाद को माँ बाप से, बीवी को शोहर से, शोहर को बीवी से। तो मेरे बच्चे मेरे मदरसे का एक तालिबे इल्म मेरा बच्चा यूं कहता है, जिसकी तकरीर है उसका मौजू है कौन किस से शिकायत करे। उस तकरीर के लिए मैं दावत देता हूँ नोडे अल्फाज इब्ने अब्दुल अजीज को कि वो आए और अपनी शीरीनी जबान में अपनी तकरीर को पेश करे। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही लजीना इस्तफा। अम्मा बाद, फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल लजीना आमनू बिस्तिलमी काफ़ा बुजुर्गान दीन, नौजवान ने मिल्लत और माए बहने दौरे हाजिर के इंसान ने जिंदगी के हर मैदान में बेहद तरक्की की है, इसी तरह से उसके रहन सहन में गिरावट आई है। इसी का यह नतीजा है कि हर आदमी को एक दूसरे से शिकायत है, बड़ों को छोटों से और छोटों को बड़ों से शिकायत है।
इसलिए शिकायत है कि छोटे बड़ों का अदब नहीं करते और छोटों का बड़ों से इसलिए शिकायत है कि बड़े छोटे से प्यार नहीं करते, माँ बाप को औलाद से इसलिए शिकायत है कि औलाद नाफरमानी करती है, कहना नहीं मानती, और औलाद को माँ बाप से इसलिए शिकायत है कि उनके माँ बाप फिल्मों में रोल अदा करने वाले स्टारों के लहजे में बात नहीं करते, और जिस तरह वो अपनी औलाद को नंगे नाच देखने और फजूल खर्च करने की हिम्मत अफजाई करते हैं, वैसा हमारे साथ हमारे माँ बाप क्यों नहीं करते। हाजिर ने देखा, उसने कोई शक नहीं के कौन की नौजवान नस्ल इंतहाई बेहया बेगैरत और बुराई के रास्ते पर चल पड़ी है और कुछ दिल लड़पों को गई है, मगर ये बड़ी कड़वी हकीकत है के इसको इस दर्जा बर्बादी और कुछ दिल और नाकारा बनाने का रोल माँ बाप का है। माँ बाप की गफलत लापरवाही बद अमली और गलत तरबियत ने वतनदान कौम को मुजाहिद की जगह मुजावर बना दिया है। माँ बाप की गलत सोचे कौम की नौजवान नस्ल को गलत पटरी पर चला दिया है। मोहतरम हजरत, आप माँ बाप को शिकायत है कि औलाद नहीं मानती, खिदमत नहीं करती, लेकिन क्या कभी आपने इस बात को सोचा है कि आप माँ बाप अपने अंगों की कितनी मानकर चलते हो और इसके पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर कितने अमल करते हो। आप खुद जब अल्लाह और रसूल की नापरवाही करते हो तो औलाद आपकी फरमाबरदारी क्यों करोगी। बेटा देखता है कि बाप नमाज नहीं पढ़ता, बेटी देखती है कि माँ नमाज नहीं पढ़ती, अजान की आवाज आती है, बाप मोबाइल देखते देखते पलंग पर शॉर्ट वीडियो या गेम खेल रहा है और माँ बगैर और नीचे टीवी या फजूल बातों में पड़ी हुई है और अजान का कोई अदब नहीं है न जवाब दे रहे हैं। बेटी देखती है कि मेरी माँ हमें, बेटा देखता है कि मेरे बाप में दूसरों की टांग के खिसरे में पड़ा रहता है, बेटी देखती है कि मेरी माँ हमेशा दूसरों की गीबत में पड़ी रहती है, औलाद देखती है कि मेरे बाबा और माँ हमेशा झूठ बोलते हैं, औलाद जब माँ बाप का रवैया देखती है तो ये बात उनके दिल में जम जाती है और औलाद सोच लेती है यही जिंदगी गुजरने का तरीका है, अखीर में मैं चित्र ही कहूँगा। प्यारी माँ बहने और मोहतरम हजरात, हमें जरूरत है तो हम अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाले बन जाए तो इंशाअल्लाह कौम की हर नौजवान नस्ल फरमाबरदार हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, इस बच्चे को अल्लाह पाक उसके इल्म में अमल में उसके वालिदैन को जो है बरकत अता फरमाए। दो प्रोग्राम खाली हमारे बाकी है और दोनों कॉमेडी है। उससे पहले हमारी सिर्फ एक मैसेज के ऊपर मेरे साथी उलमाए किराम और हमारे थरौड़ा के इमाम साहब और हमारे जिम्मेदार हजरत कारी साहब जो बड़ी जहमतों के बाद मशगूलियों के बावजूद हमारी एक दावत के ऊपर यहाँ पर तशरीफ लाते हैं और मेरे उलमाए किराम साथी भी पहुंचे हैं हमारी बड़ली पूरी जमात की तरफ से, उन उलमाए किराम का हम सम्मान करना चाहते हैं। इसके लिए मैं गुलाम भाई को दावत देता हूं कि वो आवे और आगे की कार्यवाही पूरी करे। अस्सलामु अलैकुम। पांजे आमंत्रण के मान दई ने पावटे आया ही तो पांजे चौकस फर्ज बनी थी इन्हीं जो सम्मान करी हूं तो आऊं तो तो सी अने जे जो ना गे ना सम्मान करेला करे तो जल्दी हाजिर થઈ વેંજા तो कारी अब्दुल कलाम साहब के आऊं आमंत्रण दो सी गेदा चो अनी जो सम्मान केंदा अब्दुल रजाक भाई मकवाणा साल ओडाड़ी अने कवर अपिन सम्मान केंदा अब्दुल रजाक भाई मकवाणा तो कारी साहब के गुजारी से गेदा जी हूं। मौलाना रिजवान साहब से गुजारिश कहीं अची वो इन सम्मान कहींदा
कवर अने सालू डाड़ी ने इद्रीस भाई समीजा मौलाना मुसा साहब के गुजर मुसा हिल साहब से गुजारिश कहीं तो सी कहीं इधर अची बिजो इन्हीं जो कवर अने सालोडाड़ी सम्मान कहीं दा अब्दुल रसीद भाई लुहार मौलाना हुसैन साहब से गुजारिश कहीं अची वो इन्हीं जो साल अने कवर से सम्मान कहता मौलाना याकूब खत्री थरावड़ा जा मौलाना ही मौलाना आदिल साहब इन्हीं जो साल अने कवर से सम्मान कहता उमर भाई नोड़ी अने हर साल पांजो ही आयोजन हुए तो अने पांजे आयोजन में एकड़े जानते ही पुजे था एड़ा पांजा पत्रकार मां आशापुरा न्यूज जा पत्रकार पंकज भाई कबीरा इन्हीं जो सम्मान केंदो गुलाम भाई मकवाना कवर अने सालोड़ा सम्मान केंदो पंकज भाई कबीरा हाने जो को पा जो सम्मान लखो रखियो है ये ऐडा मारू हुई के हर हमेश किदा न किदा के नी जो योगदान दिंदा हुए पांजी समाज ला करे अने इनी मेनी जो सम्मान केंदा पांजा मुतोली साहब सुलेमान भाई खत्री ता आऊं पहलो ज ना गेंदो सी मेठू चाचा खत्री जो को सवार जो वेलो उठेंदा वा अने रोजेदारे के उठेंदा वा प्लस अने ये सरबत अने ये जो को सेवा के कार्य कहे हो એટલે જમાત કે ઈતો કે ના એ હકદારી તો એની જો મુતોલી સાહેબ કીધા તો સી ગાચો એની જો સન્માન કયો સાલો ડાડી સન્માન કયો એન પોઠિયા રમજાન સજે મેણે મે તરાબીએ પાછળ જમે પોઠિયા જોકો વાસણ ધોઈ દો રાતો 11 વાગે સુધી એડા પાજા ઇસ્માઈલભાઈ ખલીફા એની કે ચોંદો સી કે આચી વિજો અને એની જો સન્માન કહીતા સુલેમાનભાઈ ખત્રી ઇસ્માઈલભાઈ ખલીફા સજો મેણું रमजान जो सजो मेणो पाके खिदमत कयो हो इस्माइल भाई खलीफा अने पा खबर है सुलेन पा दर मेणे चौदह वे यार अमु के जी बाकी है या जल्दी पजाय वे जा ने पाजी जमात में एकड़ो एड़ो मारू है के दर बारे मेणे जी भीगी चौमाई दे तो તો દર માણે મેણે જી ભીગી ચમાઈ દેતો એડો પાજો જમાતે જ મેમ્બર હે તાલબભાઈ પટિયાર ઉર્ફ હનીફ એની કે ચોંતો સે રાચો એની જો સન્માન કહેતા સુલેમાનભાઈ ખત્રી અને પાજી સમાજ જો કી પણ કાર્ય હોય એની તે જેડો થીંતો હોય એડો પાકે મદદ કહીએ એડા પાજા કમિટી જ મેમ્બરી દાઉદ ભાઈ નોડે અને ઉમર ભાઈ પટિયાર એની સે ગુજારિશ કેંતો સે અહીં આચો હતા અને આજો સન્માન કેંતા સુલેમાન ભાઈ ખત્રી દાઉદ ભાઈ નોડે અને ઉમર ભાઈ પટિયાર અને સાહેબ રમજાન મે તરાબી પોઠિયા જોકો માની જો પા આયોજન રખ્યો તે અને એન મે જોકો ખિદમત કેંતા હોય એડા પાય ત્રણ સાથી હી ત્રણ સાથી જો ના ગેના તો ત્રણ સાથી દાતી વિનો હુસેન ભાઈ કુંભાર મુબારક ભાઈ હાજી અને કરીમ ભાઈ નોડી એની જો સન્માન કહીતા સુલેમાન ભાઈ ખત્રી તો એની ત્રણ સાથી થી ગુજારીશ કે જલ્દી દાચી વિજો
અને સાહેબ પાંજો મેચી જો કમ હે કે કોઈ પણ કમ હે અને એન કે ફોન ગયો ને તો પેન જો સાધન ખણી હતે પેન જે જાન જો ઈસો લગાય ને માલ જો ઈસો લગાય તો કે પેન જે સાધન હે પેન જો ને પેન જે રીતે જ મહેનત ગઈ તો હોય અને ઈ પાંજી કમિટી જો જ મેમ્બર તો હું ગુજારીશ કહી દો છી અલી મોહમ્મદ ભાઈ પડિયાર કે જડે હાકલ ગયો 108 થી જેમ 108 કિયા છે તી માં જો પોતા ટ્રેક્ટર ખણી છે અને પાંજી જમાત મે જેડા જરૂર પે ઈ ટેકે જી સેવા દે તો તો અલી મોહમ્મદ ભાઈ પડિયાર સે ગુજારીશ કહી દો છી કે રાતી જો અહીં સન્માન કેન્દ્ર સુલેમાન ભાઈ ખત્રી ये आयोजन गुलाम भाई मकवाणा और हमारी जो भरली जमा